गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन आज हम क्लास फर्स्ट के सब्जेक्ट एस एस टी के लेसन नंबर एट को पढ़ेंगे हमारे लेसन का नेम है गुड मैनर्स एंड हैबिट हमारी मैनर्स कैसे होने चाहिए तो हमारे मैनर्स गुड होने चाहिए और हमारी हैबिट्स किस तरीके से होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम किसी से बात करते समय हमें किन वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए और कैसे सबसे अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए और हमारी जो हैबिट्स हैं वह भी अच्छी होनी चाहिए तो गुड मैनर्स फर्स्ट है हमारा डू यू नो द मैजिक बर्ड क्या आप सब लोग कुछ मैजिक बर्ड्स के बारे में जानते हैं जादुई शब्द मैजिक बर्ड का मतलब होता है जो जादुई वर्ड होते हैं उनके बारे में जो सबको सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं व्हाट आर दे वह क्या हैं तो द मैजिक बर्ड्स आर तो वह वो जो मैजिक बर्ड हैं जादुई शब्द हैं जो सब लोग उसे कहने पर उनको अच्छे लगते हैं वह हैं प्लीज सेकेंड बर्ड है हमारा सॉरी फिर है थैंक यू एंड एक्सक्यूज मी तो जो प्लीज सॉरी थैंक यू और एक्सक्यूज मी है यह हमारे फोर क्या हैं मैजिक वर्ड्स हैं वी शुड से थैंक यू हम क्या बोलते हैं किसी से भी थैंक यू कहते हैं कब कहते हैं हम वैन समिव अ समथिंग जब कोई हमें कुछ देता है तो हम उससे रिप्लाई में क्या बोलते हैं उसको थैंक यू बोलते हैं वी शुड से प्लीज हम किसी से क्या बोलते हैं प्लीज कहते हैं व्हेन वी आस्क सम फॉर समथिंग जब हम किसी से कुछ लेते हैं या कुछ पूछते हैं तो उससे हम प्लीज कहते हैं वी शुड से सॉरी हम किसी से सॉरी कब बोलते हैं व्हेन वी हैव और डू समथिंग रॉन्ग जब हम कुछ चीज़ गलत कर देते हैं तो उसके माफी के लिए हम उससे क्या बोलते हैं सॉरी वी शुड से एक्सक्यूज मी हम किसी से एक्सक्यूज मी कहते हैं तो इसका मतलब हुआ है वैन वी वॉन्ट टू आस्क का क्वेश्चन तब हम उससे क्या करना चाहते हैं कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आस्क मी पूछना क्वेश्चन यानी कि तो इसलिए हम उससे क्या बोलते हैं एक्सक्यूज मी वी शुड वी पोलाइट टू पीपल वी मीट जब भी हम किसी से मिलते हैं मीट मींस मिलना तो हम उससे पोलाइटली बात करते हैं वन एवर वी डू एवरी डे विकम्स अवर हैबिट जो भी हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं प्रत्येक दिन करते हैं उसी वही हमारी क्या कहलाती हैं वही हमारी हैबिट या फिर हमारी आदत कहलाती हैं अ पर्सन विद गुड हैबिट्स इज़ लाइक बाय एवरीवन, एज अ पर्सन या व्यक्ति या कोई बच्चा जो जिसकी गुड हैबिट्स होती हैं बस सबको अच्छा लगता है वी शुड ट्राई एंड लर्न गुड हैबिट्स इसलिए हमें जो गुड हैबिट्स हैं उनको सीखना चाहिए और उनको अपने जीवन में लाना चाहिए गुड हैबिट्स होती हैं क्या है वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग हमें सुबह से जल्दी उठना चाहिए ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे हमें दिन बार, दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड सोने के के उठने के बाद और बेड पर जाने से पहले वी शुड हैव अ बाथ डेली हमें डेली क्या करना चाहिए नहाना चाहिए वी सुट कॉम्ब अवर हेयर डेली हमें अपनी डेली कॉम्ब से कंघी से अपने बालों को हेयर करना चाहिए एंड कीप दैम नीट एंड टी डी वाई वॉशिंग दैम रेगुलरली और उनको हमें साफ रखना चाहिए और उनको वॉश करता रहना चाहिए रेगुलरली वी सूट ऑलवेज वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील हमें क्या करना चाहिए अपने हाथों को धोना चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वी शर्ट वॉश अवर हैंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट हमें टॉयलेट जाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से सोप से या आ, से साफ कर लेना चाहिए वी शुड ईट अवर मील्स ऑन टाइम हमें जो हमारे मील्स होते हैं भोजन होता है उसको टाइम से करना चाहिए उसको टाइम को चेंज नहीं करना चाहिए वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ हमें हमेशा कैसे कपड़े पहनने चाहिए वियर मीस पहनना क्लीन मीस साफ क्लॉथ मीस कपड़े हमें हमेशा साफ़ कपड़े पहनने चाहिए वी शूड कीप आवर रूम्स क्लीन हमें अपने रूम्स को अपने कमरों को क्या करना चाहिए साफ रखना चाहिए बाई पुटिंग द थिंग्स एट द राइट प्लेस और चीज़ों को अपनी सही जगह पर रखना चाहिए इधर उधर फेंक कर नहीं रखना चाहिए वी शुड ऑलवेज ग्रीट आवर एल्डर्स एंड गेस्ट हमारे से जो बड़े लोग हैं और जो हमारे गेस्ट्स होते हैं अतिथि होते हैं उन सबका हमें आदर करना चाहिए वी सो थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन जो भी हमारे घर का वेस्ट होता है मटेरियल होता है सब्सटेंसेस होते हैं उनको हमें कहाँ डालना चाहिए डस्टबिन में डालना चाहिए घर में इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए इससे जो हमारा हाउस होता है वह डर्टी हो जाता है गंदा हो जाता है इस तरीके से इन सारी हैबिट्स को अपना के हम अच्छे बच्चे बन सकते हैं और सारी गुड हैबिट्स को अपना के हम डिसीज़ फ्री भी रह सकते हैं थैंक यू